टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट। जी तो फ्रेंड्स, मैं आजकल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, वर्ल्ड टेस्ट WTC फाइनल, टेस्ट चैंपियन। प्रैक्टिस 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 ही इंसान को कुछ, आप दुआ करो यार, एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड माय लाइफ। अगेन जी तो फ्रेंड्स, आजकल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ, और मैच का तीसरा दिन है आज। तो मैं मैच के रिजल्ट के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ, ना ही मैं कोई स्कोर कार्ड की कोई फिगर्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ आपको, जो कि आपके लिए भी एक बार काम की चीज़ है और मेरे लिए भी। कि बात कुछ इस तरह से है कि जब दूसरे दिन मैच शुरू होने वाला था वर्ल्ड में, 10:30 बजे सुबह मैच शुरू होता है, तो जो कि विटनेस किया है लोगों ने कि 8:45 से ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पर प्रैक्टिस कर रही थी, उनका हर एक खिलाड़ी ग्राउंड मौजूद था, कोई बैटिंग कर रहा था, कोई फील्डिंग कर रहा था, कोई नॉकिंग कर रहा था, और नेट के नेट लगे हुए थे, और ऑस्ट्रेलिया का हर खिलाड़ी वहां पर अपना एक किरदार अदा कर रहा था उस प्रैक्टिस सेशन में। लेकिन इंडिया की टीम जो कि नंबर 1 और नंबर 2 टीम है, ऑफकोर्स दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, तो उन्होंने गवारा ही नहीं किया कि वो मैदान में उतरते या प्रैक्टिस करते, और आखिरी इन्फॉर्मेशन तक 9:50 तक वो अपने ड्रेसिंग रूम में ही मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि मैच शुरू होने से 40 मिनट पहले तक वो ग्राउंड पर नहीं उतरे थे। ठीक है, दे आर एक्सपर्ट इन इट, वो लोग चैंपियन है, तो शायद उन्होंने गवारा नहीं किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी नंबर 1 और नंबर 2 है, उसके बावजूद वो ग्राउंड पर मौजूद थे और प्रैक्टिस कर रहे थे। हालांकि पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा जब उन्होंने 327 रन मार दिए थे और सिर्फ 3 खिलाड़ी उनके आउट थे, उसके बावजूद वो लोग वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे मैच शुरू होने से पहले। देखें, ये माइंडसेट बताता है, ये बताता है कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेरी वीडियो का टाइटल भी इसीलिए है कि चाहे आप एक्सपर्ट हो चाहे आप चैंपियन हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है किसी चीज की तो आप मार खाएंगे, आप लथेड़ दिए जाएंगे किसी भी मकाम पर, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो या कोई भी आपकी एक्टिविटी हो। किसी भी चीज से पहले आप उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर आपका वो मार्का कामयाब होता है। इंडिया की टीम बहुत अच्छी टीम है, लेकिन जब आप चीजों को फॉर ग्रांटेड कंसिडर करेंगे तो फिर आप मार खाएंगे। प्रैक्टिस कर लेना बींग अ स्पोर्ट्समैन बहुत जरूरी था कि वो प्रैक्टिस करते ताकि मैच की परफॉर्मेंस में शायद कोई ना कोई बेहतरी आती। जब दूसरा दिन खत्म हुआ तो 151 रन पे इंडिया के 5 आउट हो चुके थे और 470 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने लगा बैठा था, तो ओवरऑल तो इंडिया नीचे ही लगा हुआ है। बहुत सारी वजूहात हैं कि क्यों नीचे लगा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पॉइंट आउट होती हैं और हमारे लिए एक लेसन होता है। वो लेसन ये होता है ना कि अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं, चैंपियन हैं, उसके बावजूद प्रैक्टिस को आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। चाहे आप जितने भी बड़े चैंपियन और एक्सपर्ट हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप मार खाएंगे। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप किसी भी मार्के में आप हार नहीं सकते। तो मुझे देखते रहिए, सुनते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।